दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप CBI में कैसे जा सकते हैं, और दो तरीके बताऊँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक ही तरीका पता है, और पूरी डिटेल बताऊँगा कि फिजिकल से रिलेटेड और क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, पूरी डिटेल कि ग्रेजुएशन वाले किस पोस्ट पर जाएंगे और नॉन ग्रेजुएशन वाले 10वीं 12वीं वाले भी इसमें जा सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दो आप सभी को UPSC के बारे में। तो 25 तारीख को आपकी फ्री लाइव क्लासेस चलाई जा रही है अनअकैडमी पे टॉप एग्जीक्यूटर के द्वारा, और इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जैसे आपका क्विक डिस्कशन होगा बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 2 पे, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इस पर भी डिस्कस किया जाएगा, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इस पर भी डिस्कस किया जाएगा, द हिंदू के न्यूज़पेपर हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेटेजी बताई जाएगी 2021 के लिए करेंट अफेयर, एंड साथ ही साथ हिंदी में भी आपका जो है अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं ये सारे डिस्कस किए जाएंगे। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर उस पर रजिस्टर या साइन इन करना है। उसके बाद आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके ये सारी वीडियो फ्री में देख सकते हैं, और आप ये कोड यूज़ करके MKYT10 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अभी बेनिफिट उठाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ज़्यादातर लोगों को पता है कि CBI क्या होता है। तो CBI में वो सारे केस सॉल्व किए जाते हैं जो नॉर्मल पुलिस से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ स्पेशल केस और अजीबोगरीब केस, ये सारे केस जो है CBI सॉल्व करती है, और ये सेंट्रल के अंदर आती है सीधे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इसे पावर मिलती है, और ये PM के अंडर में ही आएगी, और इसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। पहले स्टार्टिंग में एक ही डिपार्टमेंट था, लेकिन अब इसमें 8 तरह के डिपार्टमेंट हो गए हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह मांगते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट बता दो किस किस तरह के होते हैं, जैसे स्पेशल क्राइम ब्रांच हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, इकोनॉमी ऑफेंस विंग्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी विंग हो गया, फॉरेंसिक लैब हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है इनका अलग, एक हो गया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, एक हो गया पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, इस तरह के 8 तरह के डिपार्टमेंट हैं इनके अंदर। तो CBI जैसे सेंट्रल के अंदर वर्क करती है, तो इन्हें बहुत पावर दी जाती है, किसी भी स्टेट में जाके इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है स्टेट पुलिस से पावरफुल होते हैं CBI वाले। तो CBI में कैसे जा सकते हैं, एक तरीका आपको पता होगा कि SSC CGL के द्वारा हम CBI में जा सकते हैं, और SSC CGL के द्वारा हमें SI की पोस्ट मिलती है यानी कि सब इंस्पेक्टर CBI में, और SSC CGL की हर साल वैकेंसी निकलती है, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर आपकी इंग्लिश और मैथ अच्छी है तो आप आसानी से CGL क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। और अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो जो हाइट मांगते हैं जनरल कैटेगरीज की 165 सेंटीमीटर मांगते हैं, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो ट्राइब में आते हैं और या हिल एरिया से आते हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, और चेस्ट जो मानते हैं वो है 76 सेंटीमीटर, ये सीना फुलाने के बाद 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और लड़कियों की जो हाइट मांगते हैं 150 सेंटीमीटर। और आई साइड की बात करूँ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आई साइड में आपका एक आँख से 6x6 होना चाहिए और दूसरे से 6x9 चल जाएगा, आपका ये चश्मे के साथ हो 6x6 तब भी चल जाता है, चश्मे की कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। और फिजिकल बाकी पुलिस की तरह कभी हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल फिजिकल होता है, तो आप क्रैक कर जाएंगे, बस आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। और इसके बाद जो आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है वो 65,000 आराम से मिल जाएगी, कम से कम 65,000 की सैलरी आप पर मंथ उठा लेंगे, बस ये आपकी पावर बहुत ज़्यादा होती है अदर स्टेट SI के कंपेयर में, और फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी आपको मिलेगी, ट्रेनिंग भी आपको बहुत अच्छी दी जाती है, मतलब CBI में आ गए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जो दूसरा तरीका होता है, जो जैसे मैंने बताया था एक और डिपार्टमेंट होता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो उसकी इनकी डायरेक्ट भर्ती निकलती है जो कि ऑफिस वर्क के लिए होता है, जैसे टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर या MTS वगैरह मांगते हैं, तो उसकी डायरेक्ट भर्ती निकलती है CBI की वेबसाइट पर, तो उससे भी आप दे सकते हैं, उसमें आप ग्रेजुएशन वाले भी जा सकते हैं, इंटर वाले भी जा सकते हैं, और 10वीं वाले भी MTS वगैरह में जा सकते हैं ऑफिस वर्क के लिए, तो ये भी भर्ती निकलती है, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और जैसे कि सेंट्रल के अंदर आता है तो सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, MTS में भी आपको 25-26 आराम से मिल जाती है सैलरी, और बाकी जो डिपार्टमेंट बचे हैं उनकी भी इस तरह से ही वैकेंसी निकलती है, उनकी जो वेबसाइट होती है उन पर, तो वो भी आप देख के वो सारे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।